हमीरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर एक बार फिर से भाजपा ने कब्जा कर लिया है। जिला परिषद सभागार में हुए चुनावों में द्रो गणपति कोट बाढ़ से भाजपा समर्थित बबली देवी को अध्यक्ष व जंगल रोपा बाढ़ से नरेश कुमार दर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी, भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, प्रदेश परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री मौजूद रहे। वहीं चुनावों को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर अपने जिला परिषद सदस्य को जबरन बैठने के आरोप भी लगाए। इससे पूर्व उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने जिला परिषद के नवनिर्वाचित सभी 18 सदस्यों को जिला परिषद सभागार में शपथ दिलवाई, जिसके बाद कांग्रेस के 5 जिला परिषद के सदस्यों ने चुनावों का बहिष्कार किया, लेकिन एक कांग्रेस समर्थित सदस्य सहित 2 अन्य सदस्यों ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचने पर कोरम पूरा होने पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न हुए, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए बबली देवी को सर्वसम्मति से चुना गया, तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए नरेश कुमार दर्जी को कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्य मोहिंदर सिंह ने अपना समर्थन देकर उन्हें विजयी बनाया। हमीरपुर जिला परिषद की कुल 18 सीटों में 9 पर भाजपा समर्थित, 6 पर कांग्रेस समर्थित, 1 पर CPI व 2 आजाद उम्मीदवार जीत कर आए थे। भाजपा ने बगावत कर चुनाव लड़े। नरेश कुमार दर्जी ने बाद में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात कर भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की थी, जिससे भाजपा को जिला परिषद में पूर्ण बहुमत मिल गया। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होने के चलते भाजपा समर्थित केवल एक ही उम्मीदवार होने के चलते बबली देवी का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया और कहा कि पार्टी ने आम कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर पहुंचाया है और मान सम्मान दिलवाया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में क्षेत्र के विकास कार्यों को जल्द पूरा करवाकर हमीरपुर जिला परिषद को आदर्श जिला बनाना है। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय धूमल जी का और श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े पद तक पहुँचाया है। उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट देकर मुझे आगे बढ़ाया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पद तक पहुँच पाऊंगी। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। मैं चुनाव के दौरान मैं घर घर गई हूँ और मैंने वहाँ पर लोगों की समस्याओं को देखा है। मेरी यही कोशिश रहूँगी कि मैं वहाँ पर जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूरा कर सकूँ। धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं माननीय धूमल जी का और श्री अनुराग ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। वहीं नवनिर्वाचित जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने पार्टी के आला नेताओं सहित कांग्रेस के सदस्य मोहिंदर सिंह का आभार जताया। मैं उपाध्यक्ष से जो चुना गया हूँ, मैं अपनी BJP पार्टी का सबसे पहले अपने गुरुजी धूमल जी का धन्यवाद करता हूँ और उससे आगे मैं बलदेव शर्मा जी हमारे बड़सर से विधायक हैं और हमारे अध्यक्ष मंडल हैं, उनका मैं सबसे आभारी हूँ। और अग्नोत्री जी भी ने भी पूरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा और बढ़ाया। और साथ में जो मैं अपनी विधायक का जो है कमलेश कुमारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस स्थान पर पहुँचाया इन लोगों ने मिलके। और जैसे हाँ, और दूसरी बात है, आज इस उपाध्यक्ष पे इस वक्त जो मैं शपथ ली है तो मैं 2 अपने ज़्यादातर अपने जिला परिषद मेंबरों का महेंद्र जी और भया पवन कुमार को, इन्होंने जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो है वोट दिया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। ये हमारे आपके सामने है, आप महेंद्र जी आपके सामने है, ये मेरा एक दोस्त है और इसने एक व्यक्ति रूप से जो है मुझे वोट डाला और इसने हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए इधर अध्यक्ष बनाने के लिए इसने हमें पूरा सहयोग दिया। आजकल वो जमाना नहीं है कि जबरदस्ती की जा सके किसी से। कांग्रेस के द्वारा भाजपा पर जिला परिषद सदस्य मोहिंदर सिंह को जबरन अंदर बैठने के आरोपों पर जवाब देते हुए मोहिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत दोस्ती के चलते नरेश कुमार दर्जी को समर्थन दिया है और उनको किसी ने भी जबरदस्ती नहीं बैठाया था। नहीं, मेरे को जबरदस्ती नहीं बैठाया गया, मेरा बचपन मित्र है, मैं पार्टी को वोट डाला, मित्र बचपन मेरे दोस्त है, मैं इसके साथ ही हूं। और पार्टी से ऊपर उठ के आपने दोस्ती के लिए वोट दिया? हाँ जी, हाँ जी, दोस्ती के लिए।
आपके जिलाध्यक्ष का कहना है कि आपके फोन पे उनसे बात हुई थी और आपने कहा कि आपको जबरन बिठाया गया? नहीं, मेरे को जबरदस्ती नहीं बिठाया गया जी। वो झूठ बोल रहे हैं? हम बिठाने वाले हैं, बैठने वाले नहीं है। आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे सर आप? कार्रवाई किस चीज की? हमारे जो कैंडिडेट है वहाँ जबरन उनको बिठाया गया था, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही जा रही है आपके? अच्छा जी, नहीं जी, मेरा मित्र दोस्त बचपन के, तो मैंने किया जी। हाँ जी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के हुए चुनावों के दौरान कांग्रेस जिला परिषद महेंद्र सिंह के अंदर बैठने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कार्यालय के बाहर भाजपा पर जबरदस्ती के आरोप लगाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि पार्टी के सभी जिला परिषद के सदस्यों को शब्द के बाहर बाहर जाने को कहा गया था, जिसे सभी ने मानते हुए बैक आउट किया, लेकिन महेंद्र सिंह बाहर नहीं आए। उन्होंने बताया कि दूरभाष पर महेंद्र सिंह ने जबरन अंदर रखने की बात कही। उन्होंने भाजपा पर सरकार अमले के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। जहां तक सवाल था आज के इलेक्शन का, उसमें हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हमारे जो लोग हैं वो वॉकआउट करेंगे और फिर हम इलेक्शन की जो नई डेट है उस पे थोड़ा प्रिपेयर होके फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे पूरी तरह। तो उसमें जहाँ तक एक व्यक्ति का सवाल है, जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट मोहिंदर सिंह था, उसने उससे फ़ोन पर बात हुई जब वो ओथ के लिए आया था, तो फ़ोन पर बात हुई तो हमने कहा भाई बाकी तो निकल आए हैं वहाँ से, वॉकआउट कर गए हैं, और वो अकेला व्यक्ति पे तू क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है? तो उसने कहा भी मेरे को फोर्सिवली यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये जहाँ तक हमें आने की ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, इलेक्शन इनका था, हम उसमें से कोई सदस्य भी नहीं थे, तो हमें इसलिए यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि उसकी अपनी तरफ से ये कहा गया था कि मुझे फोर्सिवली रखा गया है। अब जहाँ तक सच्चाई का सवाल है वो तो मोहिंदर सिंह खुद बताएंगे आकर, पर अगर उसको इस तरह से कैप्चर किया गया है, रैंसम पे रखा गया है, तो बड़ी गलत बात है और सरकारी मशीनरी की का एक तरह से मिसयूज हुआ है और दबाव की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो गलत है, बिल्कुल जो सरासर गलत है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है ये सारी चीज़। अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि कंप्लेंट ऐसी थी कि मैंने फोन पर बात की, जब लोगों ने कहा भी वो अंदर ही है, तो मैंने उससे फोन पर बात की, तो बोले मुझे यहाँ रोका हुआ है जबरदस्ती, मैं आना चाह रहा हूँ बाहर परंतु मुझे रोका हुआ है, मेरे को तो ये कहा गया। पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी का तो स्टैंड अब इसके बाद होगा। पार्टी तो अपना अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो तो अमल में लाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। पर जहां तक ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है, यहां भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रही है पार्टी। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं और पार्टी हमेशा झूठ पर राजनीति करती आ रही है। हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे, उन्हें जिला परिषद का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो चुनाव हुआ है, हमीरपुर जिला में सबसे पहले चुनाव हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, जहाँ मैं जिला परिषद सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके जो महेंद्र जी, जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग आए हैं, पवन जी जिन्होंने हमारे चेयरमैन के लिए समर्थन किया, बबली जो हमारी टॉनी देव से है, कौन सा बाड़ है उनका, जो हमारी जिस मेंबर है उसको समर्थन किया अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए दिनेश दत्त जी को, इसके उनका धन्यवाद करता हूँ, और माननीय धूमल जी का जो कि हमारा जिले का संगठन बहुत स्ट्रांग है और पार्टी के लीडर्स चाहे विजय अग्निहोत्री जी हैं हमारे, उनके भी सहयोग रहा, कमलेश जी का जो MLA भोरंज से है यहाँ का, विधायक जी
और सब मिलजुल के ये इलेक्शन हमारा जो चुनाव हुआ है। ये आपने अभी आगे उनके भी बयान लिए हैं, उन्होंने कहा हमारा दोस्त है दर्जी जी, नरेश दर्जी जी, हम खुद अपने इससे आए और अपने भी उनका व्यू लिए अंदर भी। हमारी पार्टी कभी जबरदस्ती नहीं करती है, हमारे पास 11-12 वोट पहले ही अंदर है और हमें 12 चाहिए थे हॉस्टल को कोरम पूरा करने के लिए, 12 लोग चाहिए थे, 12 के 12 थे और पूरा कोरम पूरा किया और उसमें बिल्कुल सही ढंग से जो चुनाव हुआ परिपरित किया हमें करके डी सी साहब ने बहुत अच्छा चुनाव कराया है और सबकी राय लेके एक मत होके चेयरमैन बाई चेयरमैन इलेक्शन जीता है हम लोग।